चाइना अपने अजीबोगरीब चीज और खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 10वीं सदी में चाइना में लड़कियों के पैरों में न्यूट्रल ग्रोथ को रोकने के लिए इस तरह के लोटस शूज बनाए जाते थे। लोगों का मानना था कि लड़कियां इस तरह से ज्यादा सुंदर लगती हैं। लेकिन स्पेन की प्रोसेस से जब लड़कियों की मौत होने लगी तो 19वीं सदी में इस पर बैन लगा दिया गया। और चाइनीज लोगों की इस बेवकूफी के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, इस कमाल के स्टैचू को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कपड़े को लगाया गया हो, लेकिन वास्तव में ये एक ऐसे ही पत्थर से बनाया गया है। वाह, इस स्टैचू के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। चाहे तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारे चैनल पर ही आपको ऐसे धमाकेदार रियल फैक्ट्स वाली खबरें मिलती रहेंगी। नंबर 5, दोस्तों आपने कभी ट्रक और ट्रेलर को ध्यान से देखा ही होगा तो आपने ये बात जरूर नोटिस किया होगा कि ट्रक और ट्रेलर में दो टायर्स ऐसे होते हैं जो हवा में इस तरीके से लिफ्ट हुए होते हैं। इनका यूज क्या होता है? तो गाइस, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो एक्सेल इन दोनों टायर्स को लिफ्ट करता है, वो इस ट्रक का ड्राइवर इन दोनों को जब चाहे ऊपर या नीचे लिफ्ट कर सकता है। ड्राइवर इन टायरों को तभी लिफ्ट करता है जब हाईवे पर ट्रक के ऊपर लोड कम हो, और जब ट्रक पर लोड ज्यादा हो तो ड्राइवर इसे नीचे कर देता है, और इससे ट्रक का फ्यूल भी कम वेस्ट होता है और टायर भी ज्यादा दिन तक चलता है। नंबर 4, जो लोग ज्यादा तीखा खाना खाते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा सालों तक जीते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो, पर ज्यादातर केसों में ऐसा देखा गया है। पर आपको रोजाना ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, आपने निश्चित ही इस बात को नोटिस किया होगा कि चाय या दूध ठंडे होने के बाद उसके ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। दूध के अंदर करीब 2 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, और उसके अंदर जो वे प्रोटीन होता है जो गर्म करने पर आपस में प्रोटीन के साथ एक बॉन्ड बना देता है, और इस बॉन्ड की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से आपस में चिपकने लग जाते हैं, और साथ में वो फैट को भी आपस में चिपका देता है। और जब दूध या चाय ठंडी हो जाती है तो ये ऊपर आ जाती है तो सतह पर एक सॉलिड बन जाता है, और यही सॉलिड फॉर्म मलाई होती है। नंबर 2, क्या आपने किसी ऐसे म्यूजिक एल्बम के बारे में सुना जिसे स्पेस में रिकॉर्ड किया गया हो? तो जान लीजिए, साल 2015 में एस्ट्रोनॉट क्रिस हेटफील्ड ने अपनी एक म्यूजिक एल्बम रिलीज की थी। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने अपने इस एल्बम के सभी गाने स्पेस में रिकॉर्ड किए थे भैया। नंबर 1, क्या आपने सोचा है जब डॉलर डी से शुरू होता है तो इसका साइन एस क्यों है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, साल 1770 में ये डॉलर यूनिट स्पेनिश अमेरिकन मर्चेंट अपने ट्रेड में यूज किया करते थे, तब उसको पेसो के नाम से जानते थे। तब इसका साइन ऐसा था, जब एक से ज्यादा पेसो का यूज किया जाता था तो उसके ऊपर एस लिखा जाने लगा। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लेजीनेस के चलते ये साइन ऐसा हो गया, फिर पी हटाकर सिर्फ एस को लगा दिया गया, और जब ये डॉलर अमेरिका गया तो इसका एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।